मैं पुत्र दिल ते करदा कहंदे ने अज किताब इश्क दा कोई अगला वरका थोल किथे थोलीए जगह भी तो सानू दसो कोई जगह भी तो सानू दसो ना। मैं एक बात करने लगूं लेकिन आप सब ने पहले मुझसे वादा करना है कि कोई गुस्सा नहीं करेगा मेरी बात, कोई नाराज नहीं होगा मेरी बात। बस स्टेज वाले ने भी वादा किया नाराज नहीं होना, मैं नाराज नहीं करनी है लेकिन मैं आपकी खैरखाई भी करूँगा, कोई नाराज नहीं होना। ठीक है लो जी ए मैं भी ला लेना ताकि चलो कोई नाराज ही नहीं होगा, मैं भी उम्मीद ला ली। अच्छा आपको जब शादी पे कार्ड आता है तो उसमें लिखा होता है कि पैंट कोट पा के आई, उसमें लिखा होता है नवे कपड़े पा के आई, उसमें लिखा होता है नवी वेस्टकोट पा के आई, उत्थे लिखा होता है कटिंग करा के आई, उत्थे लिखा होता है परफ्यूम ला के आई, उत्थे लिखा होता है नवी जुत्ती पा के आई। लेकिन अब सारा कुछ करके जाते लेकिन यहाँ लिखा है जब मेरे महबूब की महफिल में आना तो सर ढांप के आना, करण की दे दो मैं कोई गलत तो जवाब दिश कर। मैं सिर्फ इसलिए कि कोई बंदा मेरी कोई नाराज ना हो, मैं किसी को नाराज करके दे मैं अपना सिर भी तुहाडे नाल नंगा करना। शादी कार्ड ते कख भी नहीं लिखिया, सब कुछ करके जाते इतने लिखा है कि मेरे महबूब की महफिल चाहोगे तो सिर गज गया किन्ने सिर नंगे हो क्या रहा फिर। हजरत जी ये हूँ टोपी भी भारी हो गई, उन्होंने महफल च भी नहीं सिर पर रखी जाती, तेरे इतनी बेवफाई, ये झूठे नारे ना मारा करो, अगर नारा मारते हो तो कम से कम उन नारों को अपने अमल से साबित भी करो। और कसम चौक के कहना वहाँ नमाज मैं जुमा सियालकोट का बड़ा दूसरा बड़ा जुमा पढ़ाता हूँ, देख देख के लोगों को दुख होता है, लोगों ने इसको छोड़ दिया, उन्होंने को जुमे जी बन ले उन्हें ना कोई रमजान के चार जुमिया च बन नहीं, उन्हें ना कोई ईद वाले दिन ही बन के आ जाए नंगे सिर ईद की नमाज पढ़ना। लेकिन दुख की गल है वे साडा हाल है वे कि जिदन वोटी लैन जाने ना उदन सारे ने सिर ते कुला रख के डर गया, वाह तेरिया बेवफाइया उन्होंने बनिया कोई नहीं वोटी लिए सिर ते कुला रख ले है बेवफाइया। देखो हजरत जी शाह जी मैं कहना कुछ तो है वे, मैंने अरे रमजान के जुमे पढ़ाए हैं सात सात बंदों के साथ, मेरी सरकारी मस्जिद है मजबूरी है मेरी, अल्लाह की कसम डर लगता है रमजान का जुमा हो सिर्फ सात बंदे पीछे हो, लेकिन बेवफाइया तो देखो ना यार उन्होंने महफल तो है पफ खिला रहे ने तुम सारे ने भाई, उसको नहीं तुम्हारा पफ चाहिए, उसको अपने महबूब का रंग सोना लगता है, उसको ना पफ शफ खाओ उसको अपने महबूब का रंग सोना लगता है, सोने मिलन नजारा ऐसा नहीं यार हाथ जोड़ के मैं अपना सिर भी नंगा कर लिया क्योंकि मैं किसी लेकिन मैं आपकी खैर खाई करनी हूँ एवं पुत्र 15,000 10,000 5,000 20,000 ली मैं झूठ बोल के टुर जा मैं नहीं हाथ जोड़ के कम अज कम अदर उन्होंने महफल के सिर टोपी रख के आया कम अज कम उन्होंने मैं पता से आपा का अंदाज क्या था तफसीर रूहुल बयान में लिखा है शायद अफरमत दो से अभी कहीं चले गए रास्ते में एक बरसाती नदी थी मौसमी नदी जो पहाड़ों पे बारिश होती थी वो चल निकलती थी, एक से अभी पार कर गए दूसरे भी उसी किनारे पे खड़े थे जो पार कर गए ना जब वो पार कर गए तो दाएं बाएं जाके देखा संगी कोई नहीं तो वो पीछे देखते हैं तो वो उसी किनारे खड़े हैं आवाज़ दे के कहने लगे भाई घबराओ ना उतराओ नदी में गहरी नहीं है, वो कहते मुझे भी पता गहरी नहीं है तो उनका फिर आ क्यों नहीं रही, कहते मैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा था, सिर्फ सोच रहा हूँ मेरे महबूब ने कदम मैंने शरीफैन में से पहले कौन सा कदम रखा था मैं भी वही रखूँ गुजरते हैं। तो तुम आज यार उनकी महफल में भी टोपी उतार आए हुए उतर ना करो ये ना करो ऐ फिर किसी के थ्रू कबूल हो गए ना कि खोल चला है फिर किसी के थ्रू खुल चले लेकिन पुत्र याद रखियो जो हूँ बंद होया तो बंद फिर हो सकता है अपने मामले ठीक करो बेवफाई ना करो नबी अलैहि सलाम से वफा करो पुत्र सिर ते टोपी रखिया करो कम अज कम उन्होंने महफल जी रखिया करो यार जितने जवान बच्चे पुत्र पाक बनिया करो मेरे नबी मैनु ही को मैं तो कोई सही तो नहीं बनी दी है सही हरी गल ही नहीं मैं कोई लोगों बनी मैं तो उन्होंने बनी है थोड़ा नहीं बनी ना छोड़ने सोनी।
लेकिन कम अज कम इन्ना जरूर करियो अज तो बाद कोई बच्चा पुत्र उन्होंने महफिल च नंगे सिर ना आए। बड़ा ज्यादा बड़ी बड़ा व्याह ते जनाब कोट व्याह ते वेश कोट व्याह ते नवे कॉट ते ले किसी ने नहीं किया कि नए कपड़े पहन के आना। अब अगर शादी पे पुराने कपड़े पहन के जाए उधर नहीं जाने देंगे, खाना नहीं देंगे, बोटियां कम देंगे, खीर नहीं मिलेगी आपको, सारा कुछ ही उसी तरह मिलेगा यार। लेकिन अच्छी बात है नए लिबास पहनना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं अगर वहां पहनना चाहिए तो यहां नहीं पहनना चाहिए। अगर वहां तू टाई भी लगा रहा है, अगर वहां के तू सारे लवाजमात पूरे कर रहा है, यहां क्या है? इसीलिए फिर हजरत जी मेरे कीम साहब का शेर था, कमाल लिखा आपने, फरमाते साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है। झूठ बोलना से जिन्ना मर्जी बोल लो, साहिब सबका एक है। आपका भी साहिब वही है, मेरा साहिब भी वही है, किबला शाह साहब का साहिब भी वही है। साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है। फिर बाबे ने दूरबीन और वधाई, चलो को लबे दे सही जड़ा को साहब दा आया। साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है, लाखों में कोई नहीं करोड़ों में कोई एक है। आज मौका जी पता वफा कर, आज मौका जी पता वफा कर, क्योंकि वक्त जाता जी पे वक्त जाता जी काले वाल मुसाफिर हुए चिट्टे अंडे रे लाए। मैंने वाला काका कहता है कि मिलाद तो बोलना दिल तो कर दे, लेकिन इन्हें तरबियत कौन करेगा? फिर अज दाढ़ी रखनी सी छड़ छड़ी, टोपी सिर ते रखनी सी छड़ छड़ी, ते मिलाद किनू सुनाई है? किनू सुनाई है? साहिब सबका, साहिब का कोई, लाखों में कोई नहीं करोड़ों में कोई एक है। कर लो पुत्र साहब नाल वफा, अनकरीब दे नाना जी जिदन साहब ने पुछना जी अल्फाया सैंतू लाल खरीदनी वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदनी टेरे गजवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला उस शाह नू की मुंह विखाएंगा जिदा सारा ही सौदा काटे पा बैठो। हजरत वैसे वक्त भी नहीं मिलता मुझे, शेड्यूल इस तरह के, लेकिन फिर भी कभी किसी खत्म पे 40वें पे 10वें पे कुल पे जाने का मौका मिल ही जाएगा, आपको बता नहीं सकता मेरी कल भी कैफियत क्या होती है। वेख वेख पे दिल सड़दा है, क्यों बोला? ठीक थोड़ी देर पहले जोर दी नमाज पढ़ी होंगी उसे के साफ नहीं होंगी, लेकिन 10वें खत्म चरज टूटियां तक बंदे बैठे होंगे। मैं पूछता हूँ वहाँ लोगों से, मैं कहता हूँ पुत्र याद रखियो अन करीब दिन नाना जी जिस दिन साहब ने तन, आप पुत्र बिल्कुल ना समझो कि ये नोट नहीं हो रहा, लिखा नहीं जा रहा, सब कुछ लिखा जा रहा है। किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन, यालमून मा तफालून, अनकरीब दिन आने वाला है जी जिस दिन ऐलान होगा। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, किथे ने आज मुजरम सारे वखरे हो जाओ सारे मुजरम। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वखरी बात है, हमारे स्टेजों से कुरान निकल गया जी, हमारे स्टेजों पे आजकल शेरो शायरी का राज है जी, कुरान गया। लेकिन सूरह यासीन वामता लिखा है जी, एक दिन सारी रात इमाम आजम इमाम अबू हनीफा ये आयत पढ़ते रहे और रोते रहे। वामताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, एक दिन हजरत उमर फारूक नमाज में इशा की नमाज में शामिल हुए, जो इमाम साहब से उन्होंने ये तिलावत शुरू कर दी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वा अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा وقال الانسان ما لها, حضرت عمر پیچھے غش کھا کے نیچے گر گئے۔ لیکن پتر ہونا جی جب میں قرآن سنانا چھڑ چھڑے تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ حقیقت بدل جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا ہوگا جی, وامتاز الیوم ایوہ المجرمون, آج کتنے نے مجرم, او بھائی میری بات پہ نہ قرآن سنت اہل بیت صحابہ بزرگ نہ سڑیاں گلاں تے آؤ, قرآن کیا کہتا ہے جی؟ قرآن پہلے بتا رہا ہے سورہ مدثر, قرآن کہتا ہے جنمی جنم میں جنتی جنت میں, قرآن مرسی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, قرآن کلام الہی
मेरी बात गलत हो सकती है, कुरान इब्तिदा में अपना तारुफ करवा रहा है, ला रैबा फी। कुरान क्या कहता है जी, उस दिन क्या होगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में, पहले बता रहे हैं सूरह मुद्दसिर में, जो अहले जन्नत है ना वो अहले जहन्नम से पूछेंगे, फी जन्नती यतसालून अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सकर, क्योंकि तुसी जन्नम च क्यों आ गए। कौन पूछेंगे जी, आले जन्नम, किन से आले, क्या मा सलककुम फी सकर, भाई तुम जहन्नम में क्यों आ गए। तो बता ले जन्नम, उसका सबसे पहला जवाब क्या देंगे जन्नम में आने की जो वजह होगी, क्या कालू लम नकुमिनल मुसल्ली, वो कहेंगे असी नमाज नहीं सा पढ़ दे तां जन्नम च आ गए।